आज मैं आपको ब्रेड चिकन रोल बनाने की रेसिपी बताऊंगी, जिसे आप बड़ी ही आसानी से बनाकर खा सकते हैं। यह खाने में बहुत ही यम्मी और टेस्टी है। इसको आप खाएंगे तो आपको ये बहुत मज़ेदार लगेंगे। बहुत ही यूनिक, टेम्पटिंग और बहुत ही कम सामान में बनने वाली रेसिपी है। हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलम, मेरे किचन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में लगी बेल की बटन को दबाकर ऑल पर प्रेस करें, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। ब्रेड चिकन रोल बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी स्टफिंग बना लेते हैं। इसके लिए मैंने गैस पर एक कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिया है और गैस ऑन कर दिया है। अब इसमें 1 टेबल स्पून तेल डाल देंगे। जब तेल गर्म हो जाए तब हम इसमें 1/2 चम्मच लहसुन कद्दूकस करके डाल देंगे। जब लहसुन हल्का ब्राउन हो जाए तब हम इसमें 2 मीडियम साइज प्याज बारीक कट करके डाल देंगे। प्याज को भी हम 2-3 मिनट भून लेंगे, इसे हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। जब प्याज हल्के से सॉफ्ट हो जाए तब हम इसमें 1/2 कप बारीक कटी शिमला मिर्च डाल देंगे। 1 गाजर बारीक काट कर डाल देंगे। अब इन्हें 2-3 मिनट भून लेंगे। इन्हें चलाते रहेंगे। 2 मिनट बाद इसमें चिकन डाल देंगे। चिकन को मैंने थोड़ा नमक डालकर बॉईल करके मैश करके लिया है। 2 मिनट इसे भी अच्छे से चलाते हुए भून लेंगे। अब इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। 1/2 चम्मच गरम मसाला डाल देंगे। 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स डाल देंगे। चिली फ्लेक्स की जगह आप रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हैं। 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर डाल देंगे। थोड़ी सी बारीक कटी हरी धनिया डाल देंगे। अब इन सब मसालों को चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लगभग 2-3 मिनट इसे मसालों के साथ भून लेंगे। 2-3 मिनट भूनने के बाद अब इसमें 1/4 चम्मच सोया सॉस डाल देंगे। 1 चम्मच टमाटो सॉस डाल देंगे और 1 चम्मच चिली सॉस डाल देंगे। थोड़ा सा ऑर्गेनो हर्ब डाल देंगे, अगर आपके पास है तो डाल दीजिए, वरना इसे स्किप कर दीजिए। 1 मिनट इसे भी भून लेंगे। अब इसे एक बॉल में निकाल कर ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब चलते हैं अगली प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ मैंने कुछ ब्रेड की स्लाइसेस ली हैं। आपको जितने भी रोल बनाने हैं ब्रेड उसी के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब इसके किनारों को कट कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने सभी ब्रेड के किनारों को कट कर लिया है। अब इसे साइड में रख देंगे और ये जो किनारे कट करके निकले हैं इनको ग्राइंडर जार में डालकर ग्राइंड कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा ब्रेड क्रम भी रेडी हो गया है। अब इसे एक बॉल में रख देंगे। अभी हम एक और बॉल लेंगे और इसमें 3 अंडे तोड़ कर लेंगे। अब इसमें 1/4 चम्मच नमक डाल देंगे और 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर डाल देंगे और इन्हें अच्छे से फेंट लेंगे। अब इसे साइड में रख देंगे। अभी हमने चिकन की स्टफिंग जो बनाकर रखी थी ठंडी हो गई है। अब मैं इसमें 1/2 कप मोजरेला चीज कद्दूकस करके डाल रही हूँ। यह ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डाल दीजिए, वरना इसे स्किप कर दीजिए। चीज डालकर बच्चों को बहुत पसंद आता है। अब हम क्या करेंगे, ब्रेड की स्लाइस जो हमने कट करके रखे हैं एक एक स्लाइस लेंगे और इसे दबा दबा कर इस प्रकार से बेल लेंगे। ऐसे ही हमें सभी ब्रेड की स्लाइस को बेल लेना है। तो इस तरह से मैंने सभी ब्रेड की स्लाइस को बेल लिया है। अब एक कटोरी में थोड़ा सा पानी लेंगे और इसमें 2 चम्मच मैदा डालकर गाढ़ा घोल बना लेंगे। अब एक स्लाइस ब्रेड की लेंगे और इसके किनारे पर मैदे वाला बैटर लगा लेंगे। अब इसके एक साइड 1 चम्मच भरकर स्टफिंग रखेंगे और इसे रोल कर देंगे, जैसा कि मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। इसके किनारे को मैदे के बैटर लगाकर सील कर देंगे। रोल कहीं से भी खुल गया हो तो वहां भी मैदे के बैटर से कवर कर देंगे। ऐसे ही हमें सभी रोल बनाकर रेडी कर लेने हैं। तो इस तरह से मैंने सभी स्टफिंग भरकर रेडी कर ली है। अब हम क्या करेंगे, जो अंडे का बैटर हमने बनाया था
इसमें रोल को डिप करेंगे। अब इसे ब्रेड क्रम्ब से कोट कर लेंगे। ऐसे ही हमें सभी रोल बना लेना है। तो इस तरह से मैंने सभी रोल बनाकर रेडी कर लिया है। आप चाहें तो इन्हें ऐसे ही किसी एयर टाइट डिब्बे में रखकर फ्रीजर में स्टोर करके रख सकते हैं। जब भी आपको खाने का मन करे फ्राई करके खा सकते हैं। इधर मैंने गैस पर कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तब हम इसमें एक एक करके ब्रेड रोल डाल देंगे। गैस की फ्लेम मीडियम पर रखेंगे। इसे अलटते पलटते हुए फ्राई कर लेंगे। जब यह अच्छे से गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी हो जाए तब हम इन्हें निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमारे यम्मी क्रिस्पी चिकन रोल रेडी हैं। अब इन्हें सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। इन्हें सर्व करेंगे सॉस के साथ। आप भी जरूर ट्राई कीजिए। मुझे उम्मीद है यह रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खाते रहिए, खिलाते रहिए और इंजॉय कीजिए।